हाय फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है रियलमी XT। इस फोन में है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 6.4 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर है, एड्रिनो 616 GPU है, 4000 mAh की बैटरी है जो कि वूक 3.0 को सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली कैमरा वाइज, डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या ये फ़ोन सच में परफॉर्मेंस में दमदार है? क्या इस फ़ोन पर गेमिंग स्मूथली चलती हैं? इस फ़ोन का अनटूटू स्कोर क्या है और इस फ़ोन का टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है? आइए जानते हैं ये सब। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आइए सबसे पहले देखते हैं इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन को। इस फोन के अंदर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट जो कि कायरो 360 आर्किटेक्चर पर चलने वाला एक चिपसेट है। हालांकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कायरो 385 बता रहे हैं और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 बता रहा है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की, एड्रिनो 616 GPU है। डिवाइस की बात करें तो मेरे वेरिएंट में है 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज। सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 9 मतलब कि एंड्रॉयड पाई पर ये फ़ोन इस समय चल रहा है, कोई भी रूट एसेस नहीं है। बैटरी इस समय है 92% चार्ज और थर्मल्स की बात करें तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हो आई बैट हाई 64 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और यहाँ पर SOC 92 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है इस फ़ोन का। सेंसर्स की बात करें तो अमूमन जो सेंसर्स आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। तो ऑन पेपर फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस फ़ोन के अनटूटू स्कोर को। तो यहाँ पर मैंने अनटूटू को पहले चला के देख लिया है। जब मैंने फ़ोन को नया नया लिया था उस समय अनटूटू स्कोर आया था 1,80,000। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से टेस्ट किया है और इस समय आया है 1,63,774। आइए एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। तो इस समय दोस्तों अनटूटू 96% कंप्लीट हो चुका है और टेम्परेचर की बात करें तो डिस्प्ले का इस समय टेम्परेचर है 36। यहाँ पर नीचे की साइड को एक हॉटस्पॉट है जहाँ का टेम्परेचर है 36.5। तो यहाँ पर दोस्तों अनटूटू अब कंप्लीट हो गया है और अगेन इस बार भी इस फ़ोन को मिला है 1,65,336। पहले दोस्तों जब मैंने इस फ़ोन को नया नया लिया था उस समय 1,80,000 आया था, अब दोस्तों 15,000 पॉइंट्स गिर गया है। यहाँ पर आप दोस्तों स्प्लिटिंग देख सकते हो, CPU को मिले हैं अराउंड 60,000, GPU को मिले हैं 56,000, UX को मिले हैं 42,000 और मेमोरी को मिले हैं 7,276। तो स्कोर दोस्तों उतना ज़्यादा कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है। आइए आप देखते हैं Geekbench 5 को। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी Geekbench 5 को टेस्ट कर लिया है। यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर है 321 और मल्टी कोर स्कोर है 1,468। कंप्यूट की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन को कंप्यूट में मिले हैं 955 स्कोर। तो डेफिनेटली स्कोर उतना कोई खास इम्प्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक तो दोस्तों यही पता चला है कि परफॉर्मेंस में ये फ़ोन ऑन एन एवरेज है, मतलब कि जितना मिड रेंज के फ़ोन्स देते हैं उतनी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो गेम्स आपको प्ले करके दिखाऊंगा, PUBG और Asphalt 9, जिससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये फ़ोन गेमिंग में कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PUBG से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो थोड़ा सा डार्क है, मैंने ब्राइटनेस को हाई कर रखा है, आप देख लीजिए ऑटो को ऑफ करके ब्राइटनेस को मैंने फुल कर दिया है। फिर भी अगर आप देखोगे जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ब्लैक है, यहाँ पर अंधेरा सा लग रहा है। अब ये दोस्तों दिक्कत क्यों आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि जो डिस्प्ले की करेक्शंस हैं वो सही से नहीं हुई हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। मैंने दोस्तों इस पर पहले भी PUBG खेला है, मुझे बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर ट्विनिंग कम है। सेटिंग की बात करें तो इस समय दोस्तों मैंने सेट कर रखा है HD पर और फ्रेम रेट है हाई। चलिए PUBG को खेल के एक्सपीरियंस करते हैं कि
गेम प्ले कैसा है। तो यहाँ पर आई थिंक कोई भी हैंग लैग देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम अवेलेबल सेटिंग पर मैं समय पबजी को खेल रहा हूँ। दोस्तों मुश्किल है इस फ़ोन पर गेम खेलना, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों गेम खेलते खेलते लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं। आइए अब देखते हैं कि 20 मिनट की गेमिंग के बाद इस फ़ोन का टेम्परेचर कितना बढ़ता है। तो इस समय डिस्प्ले का टेम्परेचर है 40.7 डिग्री सेल्सियस। एक दोस्तों यहाँ पर छोटा सा हॉटस्पॉट बन रहा है नीचे की साइड को, यहाँ पर कोई डिस्प्ले LEDs नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो फ़ोन है वो गर्म हो रहा है, अराउंड 40.2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, और थोड़ा सा दोस्तों ये फ़ोन ऊपर से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर यहीं पर सारी जो हीट है वो लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 43.5। पीछे की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पीछे की साइड को पैनल का टेम्परेचर है अराउंड 38.9, 40 हो गया है, और ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 40.3, और कैमरा लेंस की बात करें तो कैमरा लेंस के ऊपर टेम्परेचर है अराउंड 40.2। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है, हालांकि मैं इतना कम टेम्परेचर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल डेफिनेटली इस फ़ोन का काफ़ी बढ़िया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं असफाल्ट 9 को। तो यहाँ पर असफाल्ट 9 लोड हो गई है, आइए देखते हैं कि जो गेम प्ले है वो कैसा है। तो नो डाउट असफाल्ट 9 इस फ़ोन पर काफ़ी आसानी से चल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि गेमिंग के मामले में ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। ऑल्दो अनटूटू स्कोर और गीगबैंक स्कोर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट दोस्तों गेमिंग परफेक्ट है, कोई भी हैंग लैग देखने को नहीं मिलता है। असफाल्ट 9 फुल सेटिंग पर बढ़िया स्मूथली चल जाती है। पबजी भी दोस्तों इस फ़ोन में स्मूथली चल जाती है, बस यहाँ पर ग्राफिक्स की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दोस्तों जो डिस्प्ले है वो ब्लैक सा है, तो यहाँ पर स्क्रीन को देखना आसान नहीं होता है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सरप्राइजली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जो टेम्परेचर है वो 50-52 जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो डिस्प्ले का टेम्परेचर आया वो दोस्तों यहाँ पर ऑन एन एवरेज 40 रहा है, जबकि कुछ इस एरिया से फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो रहा था, अराउंड 43 के करीबन पहुंच रहा था। बाकी बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो टेम्परेचर है वो भी ऑन एन एवरेज ही रहा है, मतलब कि अराउंड 41-42 रहा है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये रहा रियलमी XT का परफॉर्मेंस, गेमिंग और टेम्परेचर ही वो। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है इस वीडियो को लेके, तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ कि रियलमी XT परफॉर्मेंस में, गेमिंग में और टेम्परेचर में काफ़ी बढ़िया है, मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि रियलमी XT कैसा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।